अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ नज़ाकत अली। तो इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि आप जो है ना किसी भी लाइट से मतलब टेस्टर किस तरीके से बना सकते हैं बगैर पंखे के, आप जो है ना सर्किट को किस तरीके से चेक कर सकते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमारा टेस्टर काम कर रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे आप ये किस तरीके से टेस्टर बना सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है ना तीन वायर वाला ये ग्रिप चाहिए होता है, ये तीन कनेक्शन वाला हो, चार ना हो, तीन कनेक्शन वाला, ठीक हो गया। इसके बाद आपने कोई दो LEDियाँ ले लेनी है, ये चार ले ले कोई भी। तो सबसे पहले इसके दोस्तों आप देख सकते हैं इसका प्लस और माइनस होता है, इसका भी प्लस है और इसका माइनस है। तो सबसे पहले इसकी जो दोनों लाइटों की जो नेगेटिव आती है माइनस वाली, वो आपस में हमने जोड़ देनी है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। अगर चार लाइटें हैं तो चारों की जो है ना आपस में आपने नेगेटिव जो है ना जोड़ देनी है। इस तरीके से अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे जोड़ लिया दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो ये प्लस बच गई और दूसरी लाइट की भी यहाँ पे प्लस बच गई, ठीक हो गया ना। अब ये तीन वायर वाला जो ग्रिप है हमारा, इसकी जो बीच वाली जो है ना वायर होती है जो नेगेटिव होती है, वो इन दोनों पॉइंट्स पे हमने लगा देनी है जो हम दोनों जो ना पॉइंट्स में टच किए हैं, जहाँ पे नेगेटिव हमने लाइटों की टच की है। अगर आप छोटी LEDs इस्तेमाल कर रहे हैं तीन वाट वाली, तो आप वहाँ पे जो ना वन की रजिस्टर लगा के तीन वाट LED में फिर इस्तेमाल करें। अगर आप यहाँ पे 12 वोल्ट वाली इस्तेमाल करते हैं या 15 वोल्ट वाली लाइट, तो आप जो ना फिर डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं हमारा जो नेगेटिव वाला कनेक्शन है वो इस ग्रिप में हो चुका है, जैक में हो चुका है। अब इसके बाद जो है ना यहाँ पे एक दूसरी इसकी प्लस है और जो है ना दूसरी लाइट की प्लस है, पहली की और दूसरी की। अब सबसे पहले जो ये वाला पहला कनेक्शन है हमारा, ये पहली वाली हमने लाइट में लगा देना है अच्छे तरीके से। अब दोस्तों देख सकते हैं हम लगा रहे हैं इसको, फिर से सोल्ड कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमारा जो टांगा है वो कच्चा ना रहे और जोड़ कच्चा ना रहे। अगर जोड़ कच्चा रहेगा तो ये निकल जाएगा, इस वजह से अच्छे तरीके से जो है ना फिक्स हो जाए। अब जो दूसरी पॉइंट है वहाँ पे प्लस वाली जो पॉइंट है, जैक की दूसरी पॉइंट हम जो है ना दूसरी लाइट की प्लस पॉइंट पर अच्छे तरीके से लगा लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने जो है ना अब ये लगा दिया है। अब से इसे टांगा कर लेंगे अच्छे तरीके से, टांगा पक्का करना है, कच्चा रहेगा तो आपके जो है ना फिर से कनेक्शन टूट सकता है। दोस्तों आप देखते हैं अच्छे तरीके से हमने ये कनेक्शन कर दिए हैं। अब आपको फिर से बताते हैं, मतलब ये जो लाइट की दोनों की जो नेगेटिव है वो बीच वाले पॉइंट पे हमने लगा देनी है नेगेटिव में, और जो प्लस वाली एक की लाइट है वो पहले कनेक्शन जैक में और दूसरी लाइट दूसरे कनेक्शन में। इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो हमारे आपको पसंद आ जाती है तो हमारे YouTube चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त तक आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आप देखते हैं हमने जैसे ही जो है इसको इनपुट दी है 12 वोल्ट, ये हमारा DC सर्किट है। तो दोस्तों देखते हैं अच्छे तरीके से हमारा जो टेस्टर है वो ग्लो होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब अपना काम कर रहा है। और हमारा टेस्टर आप जो है इस तरीके से बना सकते हैं टेस्टिंग के लिए।